तो दोस्तों लग रहा है कि एनिमल के साथ कुछ बुरा होने वाला है, और नो डाउट पता नहीं दोस्तों थिएटर में लोगों ने, जिन लोगों ने देखा उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन ओटीटी वालों के साथ कुछ चीज़ें अभी गड़बड़ वाली ही चल रही है। एक तो सलार हिंदी में नहीं आई, ऊपर से एनिमल को लेकर बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल मूवी की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में, कि मूवी कब तक देखने को मिलेंगी, क्या कुछ करंट अपडेट चल रही है मूवी को लेकर। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मूवी को लेकर बात करें तो मूवी का कलेक्शन नेक्स्ट लेवल का हुआ है। इंडिया में इसने लगभग 500-600 का कलेक्शन किया है, और दोस्तों वर्ल्ड वाइड में 900 करोड़, मतलब टोटल कलेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद दोस्तों इसके जो प्रोड्यूसर्स है उनके बीच में कुछ चीजें चल रही है, जहां पर दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में अपडेट किया था कि एक कोर्ट केस जो है इस मूवी को लेकर कोर्ट में जा चुका है, जहां पर सीने वन दोस्तों स्टूडियो करके है जो कि इस मूवी के को प्रोड्यूसर है। पहला प्रोड्यूसर टी सीरीज वाले और को प्रोड्यूसर है सीने वन स्टूडियो वाले। तो सीने वन स्टूडियो वाले ने दोस्तों कोर्ट मतलब एक केस फाइल किया है टी सीरीज को लेकर, कि इन्होंने दोस्तों जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग तक हमारा जो पेमेंट है वो फुलफिल नहीं किया है, हमारा इतना इतना शेयर बन रहा था उतने पैसे हमारे अभी तक नहीं मिले हैं, और काइंड ऑफ ये उनके साथ जो है गलत हुआ है। उनके अकॉर्डिंग दोस्तों एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसका ये उल्लंघन है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। और ये जो अभी तक इसकी एक दो हियरिंग हो चुकी है, अभी और होना बाकी है, मतलब दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत लंबी चलने वाली है। तो दोस्तों क्या ये अब मूवी डिले होंगी, क्योंकि मूवी के राइट्स वैसे नेटफ्लिक्स वालों के पास में, और नेटफ्लिक्स वाले तैयार बैठे रहते रिलीज करने को, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है। लेकिन दोस्तों जब तक ये कोर्ट की चीज़ें चलेंगी, जब तक क्लियरिफाइड नहीं होगा, कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा कि दोस्तों इस मूवी को ओटीटी पर आने देना चाहिए, तब तक मूवी नहीं आने वाली। लेकिन फिलहाल दोस्तों बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को दोस्तों इसकी एक हियरिंग है, तो चांसेस है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए। अगर ये चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है, मतलब कोर्ट केस वगैरह सारी चीज़ें सही हो जाती है, तो आपको मूवी 26 जनवरी 26 जनवरी को देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस डेट पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशन निकल कर आई है, और मतलब जिन लोगों ने फाइल केस किया है उन्होंने इसी वजह से किया है कि भाई 26 जनवरी को मूवी रिलीज़ ना हो। अगर सारी चीज़ें सेटल हो जाती है तो भाई 26 जनवरी को मूवी देखने को मिल सकती है, वरना यह मूवी थोड़ी और डिले होने वाली है। खैर दोस्तों क्या सोचते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, आपको लगता है एनिमल डिले होने चाहिए या फिर 26 जनवरी को आनी चाहिए, सारी राय कमेंट में दे देना। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।